कोई चुकने चाकने की बात नहीं है। सवाल है कि जो सत्ता है, प्रशासन है, ये सारे लोगों ने लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन इससे हम लोग हतोत्साहित नहीं है और लड़ाई अब सड़क पर होगी और सड़क पर हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर करके इनको बेनकाब करेंगे। नीतीश जी बोले सदन में कि जब इन लोगों को मौका मिला था लालू जी को और रावण जी को, कुछ नहीं किया, हालत खराब थी, सभी जानते हैं। देखिए ना, इनका वक्तव्य आप देख लीजिए, इधर विगत 5 वर्षों में क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले हैं। अगर एक दूसरे को बात अगर सबको कलेक्ट कीजिएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या बोलते हैं। अच्छा, चेतन आनंद ने कहा है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे पिताजी को अपमानित किया गया। उनको उस नींद नहीं आई थी या उस दिन नींद नहीं उठे थे जब उनको टिकट मिला था और वो आए थे और सब कुछ हुआ था? सम्मान का उनका क्या परिभाषा है? क्या सम्मान का परिभाषा है? छापामारी युद्ध हमने कर दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और शिवाजी को भी मानते हैं। अब वो किसके वंशज हैं? ये तो जनता बताएगी कि वो मान सिंह के वंशज हैं कि कह तो रहे कि वो किसके वंशज हैं, पहले वो तो तय कर ले जनता के बीच में जाकर करके। जनता ही सबसे बड़ी है। ठीक चेतन आनंद ने कहा है हमने छापामारी युद्ध कर दिया है, महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता को मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपने बहुत से लोगों का इतिहास देखा है और जयचंद का भी इतिहास देखा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा शिवाजी को मानने वाले हैं, ये जयचंद भी ऐसे ही कुछ किए थे। आखिर जयचंद का नाम खराब दृष्टि से क्यों लोग लेता है? अगर आप शिवाजी रहते हैं तो शायद ऐसा नहीं करते। और इतिहास रहा है, और हमारे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, जो भी हों, जदुवंशी या रघुवंशी, बस इतिहास को गंदा मत करो यार, जहां रहो गंदा मत करो इतिहास अपने खानदान का। इतिहास को बनाना चाहिए, धोखा खंजर नहीं भोंकना चाहिए। खंजर उसने पार्टी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है, बहुत दुख हुआ इस बात के लिए। पार्टी ने अरे छोड़ रहे यार, वही ठाकुर है वो। आप लोगों ने अभी तैयारी कर रखी थी? अरे भाई, राजनीति आंकड़ों का खेल है, परिस्थितियों का खेल है। हमारी जीत हुई है, हार नहीं हुई। वाह वाह वाह।